जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी हुए शामिल। उपराज्यपाल ने महावीर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का किया आह्वान। कांग्रेस का जम्मू में जय भारत सत्याग्रह जारी। कांग्रेस ने बड़ी ब्राह्मणा में निकाली विरोध रैली। सरकार पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। कारगिल युद्ध के पैट्रियट वोटर्स ने किया जम्मू में प्रदर्शन। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। वोटर्स ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। महावीर नमस्कार, आप जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर महावीर जैन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधा गया, जिसमें कि प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और वहीं पर इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने भगवान महावीर के जीवन पर रोशनी डाली और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। महावीर एवं जैन दार्शनिकों, संतों की विरासत, उनके विचार सदियों से मानव समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं और मैं समझता हूं भविष्य में भी उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ने वाली। अहिंसा और परिग्रह, अस्तेय, सत्य और ब्रह्मचर्य जैसे दृष्टिकोण के साथ अनेकतावाद एवं सम्यक दृष्टि ने मानवता को विचारों के शिखर को छूने के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन किया है तथा संस्कृति में मूल्यों एवं सूत्रों की सार्थकता भी सिद्ध की। भगवान महावीर के अनेकतावाद तथा अपरिग्रह अहिंसा का सिद्धांत व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ समाज के विकास का रास्ता भी प्रदर्शित करता है। इसलिए राष्ट्र के महान संतों महापुरुषों की श्रेणी में जब मैं विचार करता हूं तो महावीर हिमालय के सर्वोच्च शिखर की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं और उनका आशीर्वाद व्यक्तित्व में सरलता एवं समाज में सहजता स्थापित करती है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने के मुद्दे को लेकर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह जारी है। और आज इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में संकल्प सत्याग्रह के साथ साथ विरोध रैली भी निकाली गई है, जिसमें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। और इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों ते हुए कहा कि जिन लोगों ने बैंकों के पैसों को खाया उन लोगों पर कार्यवाही करने के बजाय मौजूदा सरकार ने फर्जी मुकदमे दर्ज कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरते हुए जिसके चलते वो राहुल गांधी के विरुद्ध इस तरह की साजिशें कर रही है। भारत वर्ष में आज चल रहा है इस तानाशाह हुकूमत के खिलाफ, जो तानाशाह हुकूमत पूरे अपोजिशन को इस वक्त उसके ऊपर जो है साजिशें कर रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के साथ साजिश की, राहुल गांधी जी को उसके ऊपर साजिश करके केस लगवाया, फर्जी केस लगवाया। राहुल गांधी ने इतना ही कहा था कि ललित मोदी और नेहरू मोदी ये चोर हैं, इनका पैसा जब्त करो। उल्टा उस पर केस लगाया गया। केस तो उन लोगों पे लगना चाहे जो हमारे देश का पैसा लूट के बाहर मुल्कों में गए, लेकिन केस राहुल गांधी पे लगा, उसकी सदस्यता छीनी गई, उसकी कोठी छीनी गई। हम यही कहेंगे
कि हम इस जो ये जो तानाशाह सरकार है जिन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करके रखा मुल्क में, जिन्होंने गरीब को गरीब तर बना दिया और अमीर को पैसा दे के, गरीबों का पैसा दे के मुल्क को ख़त्म कर दिया, हम चाहते हैं कि जो है राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो, यहाँ पे डेमोक्रेसी लौटे। लोग इनके खिलाफ है, इन्होंने महंगाई तूफान बढ़ा दी, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, इन्होंने मुल्क को ख़त्म से ख़त्म कर दिया, नफरत का बाजार जो है वो फैलाई। तो मैं यही कहूँगा राहुल गांधी जी पॉपुलरिटी से ये लोग डर गए, जो भारत जोड़ो में करोड़ों लोगों को प्यार मिला उससे ये लोग डर गए, तो तभी राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे एक्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जम्मू के न्यूप्लॉट इलाके में संकल्प सत्याग्रह किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी लोकतंत्र संस्थानों पर बुलडोजर चलाया है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोगों के सामने भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है और लोगों के रोष को देखकर भाजपा सरकार प्रदेश में चुनाव नहीं करवा रही है। जयपाल सत्याग्रह की कड़ी में जो लगातार एक महीने का संघर्ष हमारा जारी है, कांग्रेस के सारे नेता हों कार्यकर्ता हों सड़कों पे यहाँ पे उतार के उन चीज़ों का विरोध करें जिसने आज की भाजपा सरकार मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कदम यहाँ पे उठा रही है और जिस तरह से राहुल जी की सदस्यता को रद्द किया गया, सड़कों पर उतार के अपना विरोध प्रकट यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मोदी सरकार ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सबको बुलडोज यहाँ पे किया है और आज भी जिस ढंग से हम सब लोग इस चुनाव के माध्यम से सरकार से महरूम यहाँ पे है, 4.5 साल से भी ज़्यादा गवर्नर राज यहाँ पे हो गया एल जी शासन, मैं समझता हूँ अलग-अलग लोगों की तरफ से सरकार की तरफ से डिफरेंट स्टेटमेंट का आना कि कहीं तो बोलते हैं कि मिलिटेंसी बिल्कुल नॉर्मल पे है, कहीं पे होम मिनिस्टर का पिछले दिनों बयान आया कि सब प्रतिक्रिया जारी है, तो फिर इलेक्शन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि भाजपा को चेहरा सामने दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से बेरोजगारी, रिक्रूटमेंट स्कैम, महंगाई के मार से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल यहाँ पे हो गया, हर जगह पे टैक्स वसूलने वाली सरकार बन के यहाँ पे रह गई, लोगों को राहत नहीं दे रही। इसलिए कांग्रेस वचनबद्ध है लोगों की आवाज़ को बुलंद करना ताकि गूंगी बहरी सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर पाए और महंगाई को काबू करने के लिए वो कदम उठा पाए। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुई भर्तियों में घोटाले की जांच की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का जम्मू में धरना प्रदर्शन जारी है। आज 19वें दिन भी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि घोटाले की जांच कमेटी की रिपोर्ट जारी करने की मांग को लेकर वो पिछले 19 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए ना तो एलजी प्रशासन आगे आया और ना ही सियासी दलों के नेता। उन्होंने सरकार से जल्द इस घोटाले की जांच कमेटी को जारी करने की मांग की है। हमें यहाँ पे 19 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक पे, हमें इस बात का दुख है, यहाँ पॉलिटिशियन की तरफ से कोई नहीं आया, यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया, हमें इसी बात का दुख है। अगर इन पॉलिटिकल पार्टियों को कल ये वोटों के पीछे पड़े होते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आएगा ये आएंगे घर घर धर धर आएंगे, कहेंगे हमें वोट डालो, आज कहाँ है ये चोर, कहाँ बैठे है? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो ये क्यों नहीं आ रहे, ये हमारे पास ये क्यों नहीं आ रहे हमारे पास। कारगिल युद्ध में सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लोहा लेने वाले पोर्टर्स ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जम्मू में आज इन पोर्टर ने इंडिया पोर्टर यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया और वहीं पर सरकार से न्याय की गुहार भी लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन पोर्टर्स का आरोप है कि कारगिल युद्ध में उन्होंने सेना के जवानों के साथ मिलकर काम किया था और उस समय सरकार ने उनसे बड़े बड़े वादे भी किए थे, लेकिन सरकार ने आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारी रणनीति होगी जब तक हमारी रूह चलेगी, हम इन सरकारों को कोसते रहेंगे कि हमारे साथ इन्होंने इतनी बेसलूकी की है, हम सहन नहीं करेंगे और आगे भी बोलेंगे जनता को कि देखो, पूरी जनता को जगाना चाहते हैं, जम्मू की जनता को जगाना चाहते हैं कि देखो हमारे साथ इतना इन्होंने व्यवहार किया। तब भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है, तो हमें आज तक न्याय नहीं मिल रहा, आज तक न्याय नहीं मिल रहा। हमने इतने टफ में वहाँ पे काम किया और पूरा आर्मी को मिशन
पोस्टों पे पहुंचाया, उनकी लाशें जो फौजी शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी उठा के नीचे लाते थे और उनका खाने पीने का सामान पूरा ऊपर पहुंचाते थे। मैं कहता हूं अगर हमारी बैचपोर ना होती और ये कारगिल ऑपरेशन विजय कभी नहीं हो सकता था। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर आज फलामंडाल के लोगों ने जम्मू में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कुछ निजी स्कूलों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि ये निजी स्कूल कोरोना महामारी की बकाया फीस मांग रहे हैं और फीस ना देने वालों के बच्चों का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बच्चों का रिजल्ट ना मिलने से वो अपने बच्चों को अगली क्लास में दाखिल नहीं करवा पा रहे हैं। सर जब फर्स्ट टाइम कोरोना लगा था मार्च में, तो कोरोना की वजह से मैं स्कूल की फीस नहीं दे पाई, ठीक है, 4-5 महीने मेरा रह गया। उसके बाद जब स्कूल जैसे उसने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो मेरे मुझे बोला कि फीस भरो। सर मेरे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मेरे बच्चों क्लास से बाहर कर दिया। फिर जब स्कूल में मीटिंग हुई फिर वहां थोड़ा सा मैंने हंगामा किया, मेरे बच्चों को फिर ऐड किया गया। तब से सर मैं रेगुलर फीस भर रही हूँ, सर अभी तक फीस भर रही हूँ। मैंने कार्ड लाए हैं अपने, फीस कार्ड लाए हैं। तो सर इस बार गई तो सर ने बोला आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला। मेरे बच्चों का अभी रिजल्ट निकला, मेरे बच्चे 3 बच्चे पढ़ते हैं, रिजल्ट निकला तो सर ने बोला आपको जो बच्चे का रिजल्ट लेने आपको नहीं मिलेगा। मैं सर क्यों नहीं मिलेगा, आपका अभी 10-12 हजार रुपया पेंडिंग पड़ा है जो कोरोना की फीस थी, जब तक वो नहीं दोगे आपको मैं आपके बच्चों का रिजल्ट नहीं दूंगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर बाबा साहेब भीमराव बोथडे सेलिब्रेशन कमेटी द्वारा सतवारी चौक जम्मू में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बाबा साहेब द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। इस रैली का मकसद रहता है कि जो बाबा साहब और महात्मा ज्योतिराव फूले हैं उन्होंने समाज के लिए जो काम किया है, खासकर दबे कुचले समाज के लिए किया है, इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के लिए किया है, और बाबा साहब ने जो एक इस देश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिनके एक थीसिस के बेस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया, तो उनकी जो विचारधारा है, उनका एक मैसेज जो है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, उनको घर घर में पहुंचाने के लिए, और दोनों ने बाबा साहब और महात्मा फुले ने भी एजुकेशन पे बहुत काम किया, लड़कियों के एजुकेशन पे बहुत काम किया, और महात्मा फुले ने लड़कियों की एजुकेशन के लिए 1848 में स्कूल खोले थे। जिला पुंछ के मेंढर के गालहोटा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में 25 भेड़े मरी हुई और 15 घायल हालत में पाई गई। इससे इसके साथ 6 भेड़े लापता पाई गई हैं। स्थानीय लोगों ने तेंदुए के हमले की आशंका जताई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डोडा पुलिस द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने किया और डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट में 4 टीमें शामिल हुई। इस अवसर पर एसएसपी डोडा ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य युवाओं में शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना है और उन्हें नशीली दवाओं से दूर रखना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस भविष्य में भी महिलाओं के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करेगी ताकि महिलाओं को अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिल सके, और वहीं पर इस प्रतियोगिता को लेकर महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। जैसे आपको पता है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारे बहुत सी खेल की जो एक्टिविटीज हैं वो चल रही हैं, इसमें आज डोडा में इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें जो डोडा की बच्चियां हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उनको इनकरेज करने के लिए हमने ये मैच रखा है। इससे पहले भी हमने मैच करवाए हैं भद्रवाह में, गंदो में, वो मेल के थे, अभी हमने ये फीमेल के लिए स्पेशल मैच रखा है डोडा में।
ये इसमें चार टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये आज ही शाम को क्लोज हो जाएगा। जी हाँ, ये अभी हम शुरुआत है, ये एक ऑर्गेनाइज किस्म का वुमन का जो पहला मैच है क्रिकेट का। आने वाले वक्त में हम जिला डोडा के हर टाउन से टीमें बनाएंगे, जैसे गंदो, भद्रवाह, ठाठरी और डोडा की टीमें बना के खिलाएंगे और बड़े लेवल पे इसको करवाएंगे। जी हाँ, ये हमने पहले, जैसे आपको पता है, हमने एक डीकेआर क्रिकेट प्रीमियर लीग करवाया था, उसमें हमने दिल्ली से बच्चियां लाई थी यहाँ खेलने के लिए, तो इन बच्चियों को एक्सपोजर दिया था। हमने ये शुरुआत की थी कि जो बाकी स्पोर्ट्स में यहाँ की बच्चियां पार्टिसिपेट कर रही हैं वो क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करें, तो उसी के चलते हुए हमने ये एक शुरुआत की है। यहाँ से अच्छी बच्चियां ये निकली और आगे जाके नेशनल या यूटी लेवल पे खेल के आए। सर, हमें बहुत खुशी हो रही है, ये जो एसपी साहब और डीआईजी साहब ने जो यहाँ पे पुलिस टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं और यहाँ पे जो पहली बार जो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। और अभी जो है यहाँ पे सिराज वॉरियर्स और ग्रीन मॉडल चैंप्स खेल रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है देखकर, और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे मैच चल रहा है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे थोड़ा जो ग्राउंड है उसको थोड़ा अच्छे से कीजिए ताकि जो यहाँ पे पत्थर वत्थर हो ये ना हो। और बहुत खुशी हो रही है कि जो टूर्नामेंट है और अगला मैच हमारा है, तो होप सो कि मैच भी अच्छा और अच्छे से खेले। सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजें। लेकिन पुंछ जिले के सोरेनकोट के दूरदराज क्षेत्र गंधक खनीखुरी में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या काफी कम है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने स्कूल स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की हुई है, लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर्स ने धोखे से उनके बच्चों की एडमिशन सरकारी स्कूल में कर दी है। आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ आए और यहाँ का माहौल देखा, स्कूल की कंडीशन भी देखी आपने। और ये स्कूल जो है 40 साल हो गए, 40 साल से यहाँ ये प्राइमरी स्कूल है, कोई अपडेट नहीं हुआ। इसकी कंडीशन देखे पहले आप। ये हमारी रिक्वेस्ट है जनाब डीसी साहब पुंछ से कि ये स्कूल मिडिल होना चाहिए और इसकी कंडीशन देखी जाए। जनाब तहसीलदार सोरेनकोट से हमारी यही गुजारिश है। जी, ऐसा भी है लोगों ने जो बोला है, ऐसा भी है, ठीक बोला लोगों ने, तो इसलिए सरकार से कोई मांग रहेगी। जी, सरकार से भी यही मांग है, इसलिए होनी चाहिए जल्द से जल्द। सर, परेशानी ये है कि फिर एक लड़की सहरिश जहांगीर उसका नाम है, तो 2015 से मैंने एडमिशन करा रखी है उसकी दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे लगातार वो स्कूल भी जा रही है, पढ़ रही है। अब ये दिक्कत ये आ गई, इस साल ये दिक्कत आई कि जब वो स्कूल गई तो टीचरों ने बोला उधर कि आपकी एडमिशन दूसरी जगह पे है, तो मेरे को उसने बोला कि उधर ये प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि दूसरी जगह एडमिशन है। तो मैंने प्रिंसिपल से जाके बात की, उन्होंने बोला भाई ये कोई प्राइमरी स्कूल का निखोड़ी है जो आपके साथ में है, तो वहाँ इसकी एडमिशन की हुई है। तो मैं मास्टर साहब से जब ये पूछा, मास्टर जी ये मेरा जो ये बच्ची की एडमिशन है इधर, तो किस लिहाज से आपने एडमिशन की है? जी, आपने आधार कार्ड दिए। तो मैं जब घर में कंफर्म किया किसने आधार कार्ड दिया, तो उन्होंने बोला जी मास्टर ने हमसे एक सर्वे की गवर्नमेंट कोई एनरोलमेंट था कोई, उसके बहाने पूरे मोहल्ले से आधार कार्ड इन्होंने लिए, तो उस लिहाज से आधार कार्ड उन्होंने यहाँ पे अटैच। क्या आपके घर से कोई आया था एडमिशन कराने या इन्हें खुद ही किया? मैंने घर, मैं खुद मालिक हूँ, मेरी बीवी है, मैंने उससे पूछा कि आपने कोई यहाँ पे एडमिशन किया? उन्होंने बोला जी मास्टर ने आधार कार्ड हमारे से लिए थे, तो हमें नहीं पता एडमिशन की नहीं की। जब मैं मास्टर साहब से पूछा तो मास्टर साहब ने बोला जी आधार कार्ड हमने वो उन्होंने दिए थे, हमने लिंक किए, तो मास्टर साहब ऐसे आगे से बोलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमने नहीं दिए। तो उन्होंने इसलिए एडमिशन की कि यहाँ पे स्कूल में बच्चे नहीं थे, लगभग उन्होंने रिकॉर्ड में बच्चे 40 से 50 या 60 हैं ये हमें नहीं पता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे 50 से 60 है, लेकिन मौके पे यहाँ 3-4 बच्चे से ऊपर नहीं होते। इस लिहाज से उन्होंने एडमिशन की कि हमें गवर्नमेंट से सैलरी लेनी है, तो उनको दिखाना है ऐसे झूठे। तो मिड डे मील जो है वो सारा ही खा गए हैं। देखो जी कितने बच्चे यहाँ पे हैं और कितने बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका मिड डे मील कहाँ गया, स्कॉलरशिप कहाँ गई, उनकी उनके यूनिफॉर्म कहाँ गई, इतना बड़ा घोटाला है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर यहाँ फिल फॉर कानूनी कार्रवाई की जाए। परेशानी यह है कि बच्चे दाखिल मदरसे अकेडमी बचपन थी, बच्चे उसे दाखिल इन्हें पिछले साल मंगे हैं आधार कार्ड दियो, दस के करने पहाड़ी सर्टिफिकेट उन्होंने आधार कार्ड इन्हें कितने लिंक कर दे, उन सर्टिफिकेट मंगने सर्टिफिकेट देने। एडमिशन जो हुई आपके कहने पे हुई है या नहीं? नहीं, ऊपर हुई है, इस पर नहीं हुई।
एडमिशन करवाई नहीं, एडमिशन नहीं करवाई। सेना ने पुंछ के सीमावर्ती शाहपुर सेक्टर में मंधार गुंतरिया इलाके में बीती रात घुसपैठ के एक प्रयास को विफल करते हुए वहां पर दो लोगों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक बीती रात सेना के जवानों ने सीमा पर हलचल देखी और जिसके बाद जवानों द्वारा फायरिंग की गई। सुबह सेना द्वारा इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कि सेना ने दो घुसपैठियों को मार गिराया। किश्तवाड़ के संघ नेता स्वर्गीय कंद्रकांत की पुण्यतिथि पर किश्तवाड़ में कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें कि मुख्य कार्यक्रम जिला के भंडारकोट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंदिरों के शहर में जल्द वाटर एटीएम कूलर लगाए जाएंगे और वहीं पर इसकी जानकारी जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने दी गई है। और वहीं पर उन्होंने बताया है कि वाटर एटीएम कूलर जम्मू शहर के कई मुख्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। इससे जम्मू के स्थानीय लोगों के साथ साथ मंदिरों के शहर में आने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों को भी साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध होगा। या तो हेरिटेज ट्रेल में या फिर जो हमारा रिजुबिनेशन ऑफ द राउंड बोट्स है उसके तहत ये लग रहे हैं। और इसमें जो हमारे प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, जैसे कोई राउंड बोट को हमने रीडेवलप करना है वहाँ हम लगा रहे हैं, या कहीं हेरिटेज की कोई है व्यवस्था है वहाँ हम लगा रहे हैं। और इससे ये सुविधा होगी, एक तो पानी साफ मिलेगा और इसमें सफाई नहीं करनी पड़ती है। टैंक्स वगैरह की इनबिल्ट टैंक्स होते हैं, देखने भी अच्छा लगता है। और साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुविधा मिलती है, क्योंकि जो पुराने वाला हमारा सिस्टम होता था टैंकी होती थी उसको साफ करो, पाइप्स दिखती थी, थोड़ा सा इसमें अच्छा लुक दिखता है और लोगों को भी सुविधा रहती है पानी निकालने में और आस पास की सफाई भी अच्छी जाती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में ये काफी लाभदायक हो सकता है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।